Welcome to the channel on Psychosocial and Learning Skills Pakistan. It is a channel of doctors, educators, educationists, linguists, grammarians, research experts, and counselors, and also of educational managers and leaders, and CSS and PMS essay grammar interviews experts. This channel is on education and learning, psychosocial skills, psychology and philosophy, guidance and counseling, teaching learning strategies and styles, research thesis, designing, styles, formatting, and research methods and skills, educational administration and management, and English Urdu linguistic competencies, and Urdu and literature research methods. इस चैनल को हमने उन दोस्तों और शागिर्दों के डिमांड पर शुरू किया है जिनकी हम तक फेस टू फेस रसाई मुश्किल है और वो मुकाबले और दीगर इम्तिहानात में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं। इस चैनल में हम जो मस्कूरा टॉपिक्स हैं उन पर नामवर और काबिल तरीन प्रोफेसर और माहिरीन के लेक्चर्स अपलोड करेंगे जो कि आपकी अमली जिंदगी और मुकाबले के तमाम इम्तिहानात में बहुत ज्यादा मुफीद और कारगर साबित होंगे। इस चैनल के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो डॉक्टर मीर आलम सैद, पीएचडी इन एजुकेशन एंड एमएसडी इन साइकोलॉजी लिंग्विस्टिक्स इंग्लिश फिलॉसफी एंड एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड ही हैज बीन ex-DEO and ex-professor. Dr. Sayyed Badshahi Mulk, PhD Urdu Language and Research. Professor Dr. Tabassum Yaseen, PhD and Research Skills Specialization. Professor Khairul Amin, MPhil English and PhD English Scholar. Professor Fazal Hanan, Professor in English, Linguistics, Etymology, Grammar and Learning Skills. इस चैनल में हम different topics पे discussion करेंगे, आपके साथ interaction करेंगे, आप अपना opinion देंगे और जो मैंने subjects बताए हैं उन सब्जेक्ट्स में से हम जो मुख्तलिफ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मुख्तलिफ इम्तिहानात और इंटरव्यूज में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में वो फायदा मंद होते हैं उन टॉपिक्स को हम सिलेक्ट करेंगे और उन टॉपिक्स पे हम इसी तरह प्रेजेंटेशन देंगे। कुछ प्रेजेंटेशन हम लाइव देंगे, कुछ इस तरह जो पावर पॉइंट के प्रेजेंटेशन है कुछ इस तरह देंगे और साथ साथ इसमें हम जो एक्सपर्ट्स हैं जो मुख्तलिफ सीएसएस फोरम पे जो जिन्होंने काम किया है जिन्होंने इम्तिहानात पास किए हैं जो उस हवाले से बहुत कुछ जानते हैं जो इंग्लिश के माहिरीन हैं जो एजुकेशन के माहिरीन हैं फिलासफी साइकोलॉजी के जो माहिरीन हैं जो रिसर्च मेथड्स के माहिरीन हैं
हम उन तमाम का जो है उनके इंटरव्यूज हम इस पे अपलोड करेंगे और आप बाकायदा उनके साथ इंटरेक्शन और बातचीत भी कर सकेंगे और इस तरह आप उनसे बहुत ज्यादा रहनुमाई हासिल कर सकेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, हमने जो टॉपिक सेलेक्ट किया है आज का, ये टॉपिक है स्ट्रेस एंड टेंशन पर, और इसका मतलब ये है कि हाउ टू मैनेज स्ट्रेस एंड टेंशन। आपने देखा होगा कि स्ट्रेस में हर कोई, हर बंदा आ सकता है। कोई भी गोश्त पोस्त इंसान वो स्ट्रेस में आ सकता है, टेंशन में आ सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि हाउ टू मैनेज दैट स्ट्रेस एंड टेंशन, हाउ टू हैंडल दैट सिचुएशन, हाउ टू कोप विद सच थ्रेटनिंग सिचुएशन। इस टॉपिक का ताल्लुक, इस स्ट्रेस का ताल्लुक मैनेजर से भी है, टीचर से भी है, स्टूडेंट से भी है, एग्जामिनर से भी है, एग्जामिनी से भी है, इंटरव्यूअर से भी है, इंटरव्यूवी से भी है, काउंसलर से भी है और कौंसली से भी है। मतलब इसका यह है कि कोई भी बंदा किसी भी एज में, किसी भी स्टेज में, किसी भी पोजीशन और डिजिग्नेशन में, खा क्यों ना हो, वो स्ट्रेस में आ सकता है। और हम इसमें ये डिस्कस करेंगे कि दियर हेल्थ कंसर्न क्या है। जो लोग स्ट्रेस में आते हैं तो आप याद रखें कि स्ट्रेस को हमने मैनेज करना है। अगर हम स्ट्रेस को मैनेज नहीं करेंगे तो आगे जाकर ये स्ट्रेस डिस्ट्रेस में चेंज होता है, डिस्ट्रेस में, और डिस्ट्रेस को हम अजाब, अजाब बिजान कहते हैं, अजियतनाक सिचुएशन वो जो है ना वो होता है। और आप याद रखें कि जो लोग स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर सकते तो वो मजीद उनका जो कंडीशन होता है वो स्ट्रेन में चले जाते हैं, और स्ट्रेन के बाद अगर वो मजीद वो कंट्रोल ना कर सके तो डिप्रेशन में वो चले जाते हैं। और अगर हम डिप्रेशन को कंट्रोल नहीं करेंगे तो इंसान हाईली डिप्रेस्ड मूड में चला जाता है, हाईली डिप्रेस्ड मूड में। और आप याद रखें कि फिर उस हाईली डिप्रेस्ड मूड का जो इंसानी जिस्म पर, दिल और दिमाग पर, जज्बात पर जो असर होता है वो बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि जो हाईली डिप्रेस्ड मूड है इंसान का, उसकी वजह से उसमें एबनॉर्मेलिटीज पैदा हो जाती हैं, एबनॉर्मेलिटीज, और वो एबनॉर्मेलिटीज इंसान में हमें तीन, इंसान की शख्सियत के तीन पार्ट्स में या तीन एस्पेक्ट्स में हमें नजर आती हैं, जिसमें फर्स्ट एस्पेक्ट जो है वो बिहेवियरल एबनॉर्मेलिटी है। यानी जो लोग ज्यादा डिप्रेशन में रहते हैं आप उनको देखें, उनका बिहेवियर जो है वो एबनॉर्मल होता है। खाने पीने का अंदाज, बात करने का अंदाज, वॉकिंग, बैठना, किसी से मिलना, बात करना, ये सब जो है उसका हमें एबनॉर्मल नजर आता है। मतलब एबनॉर्मल से मुराद ये है कि नॉर्मल लोगों की तरह उनका बिहेवियर नहीं होता। दूसरी जो एबनॉर्मेलिटी है वो है कि इंसान मेंटली एबनॉर्मल हो जाता है, और मेंटल एबनॉर्मेलिटी से क्या मुराद है कि इंसान बहुत सारी चीजें जो है वो भूल जाता है, नाम याद नहीं रख सकता, जगह याद नहीं रख सकता। देखिए, यहां तक कि वो अगर मेडिसिन खा रहा हो
और उसने मेडिसिन खाई है, कुछ वक्त बाद उसको यह भी पता नहीं रहता कि मैंने मेडिसिन खाई है या नहीं खाई। इस तरह बहुत सारी चीजें हैं कि जो कॉग्निटिव जो एबनॉर्मेलिटी है वो बन जाती है, और इंसान जो है उसका मेंटल जो मेंटल कैपेसिटी है, जो मेंटल रिस्पॉन्सेज हैं, वो खराब हो जाते हैं। और जो तीसरी एबनॉर्मेलिटी है वो इमोशनल एबनॉर्मेलिटी है। इमोशनल एबनॉर्मेलिटी में ये है कि आपने देखा होगा कि जो लोग इमोशनली एबनॉर्मल होते हैं वो मामूली बात पे झगड़ते हैं, लड़ते हैं, रोते हैं, मूडी होते हैं, एक्सट्रीमिस्ट होते हैं हर हवाले से। तो इस किस्म के लोग जो है ना इमोशनली एबनॉर्मल होते हैं। और इन तीनों एबनॉर्मलिटीज का इंसानी जिस्म पर बहुत बुरा असर होता है, यहां तक कि हेपेटाइटिस या जो स्टॉमिक प्रॉब्लम है, स्टॉमिक कैंसर या जो लीवर कैंसर है, ये इसका जो है असर इंसान पर हो सकता है। और इसके अलावा जो जो आम इंसान है वो स्टेराइल बन जाता है, मतलब ये कि वो फर्दर ही स्टेरिलिटी उसमें पैदा हो जाती है। अच्छा, फिर जो स्ट्रेस की हम बात करते हैं, टॉपिक की तरफ आते हैं कि स्ट्रेस को है क्या और इसको हम कैसे मैनेज करेंगे। तो सबसे पहले देखें, स्ट्रेस जो है फिजिक्स में ये इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्स और प्रेशर कॉजेस स्ट्रेन एंड डिफॉर्मेशन है। फिजिक्स में तो ये है कि ये इंसान के अंदर जो या किसी चीज के अंदर जो प्रेशर आ जाता है और वो स्ट्रेन या डिफॉर्मेशन में चला जाता है। बायोलॉजी में दिस इज फिजिकल केमिकल एंड इफेक्टिव एजेंट। और फोनेटिक्स में एम्फेसिस प्लेस्ड ऑन अ सिलेबल ऑफ अ वर्ड और वर्ड्स इन स्पीकिंग। ये फोनेटिक्स में भी है और फिजिक्स में भी है, लेकिन यहां पे जो हम बात कर रहे हैं वो साइकोलॉजिकल फेनोमेना है। साइकोलॉजिकल फेनोमेना में हम बात करते हैं तो साइकोलॉजिकल फेनोमेना में स्ट्रेस एज एन इमोशनल फिजिकल एंड मेंटल प्रेशर सफर्ड बाय अ ह्यूमन बीइंग और एन एनिमल। यानी जो इमोशनल या फिजिकल या मेंटल इंसान दबाव का शिकार हो जाता है और वो उसका बदन जो है रिस्पॉन्ड कर जाता है, तो दिस इज कॉल्ड, आप समझते हैं कि मैं स्ट्रेस में हूं। अच्छा, अब वो हमारी जिंदगी में बहुत सारे स्ट्रेसर मौजूद हैं। एनीथिंग विच कॉजेज स्ट्रेस दैट इज कॉल्ड अ स्ट्रेसर। तो हमारी जिंदगी में बहुत सारे स्ट्रेसर मौजूद हैं, इवेंट्स हैं, कोई भी वाकया हमारे लिए स्ट्रेस का बायस बन सकता है, सिचुएशन है, कोई भी सिचुएशन जहां पर हम जाते हैं या हम पर आता है तो उसमें हम स्ट्रेस का शिकार हो सकते हैं। फेनामेना है, कोई भी फेनामेना जो समथिंग न्यू हो और जो भी है वो हम उसकी वजह से स्ट्रेस में आ सकते हैं। एंड एनवायरमेंटल चेंज, उसकी वजह से भी इंसान जो है वो स्ट्रेस का शिकार हो सकता है। और अच्छा, स्ट्रेस के बारे में कुछ हकायक मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि देखें ना, द अमेरिकन एकेडमी ऑफ फैमिली फिजिशियंस एस्टिमेट्स दैट 60% ऑफ द प्रॉब्लम्स ब्रॉट टू फिजिशियंस इन द एडवांस कंट्रीज आर स्ट्रेस रिलेटेड। मेनी आर द रिजल्ट ऑफ स्ट्रेस, सम आर मेड वर्स और लॉस्ट लॉन्गर बिकॉज ऑफ इट। यानी मतलब ये कि जो एडवांस कंट्रीज हैं वहां पे जो रिसर्च हो चुकी है, उस रिसर्च के मुताबिक जो 60% डिजीजेज हैं दुनिया में, जो खासकर जो हम देखते हैं कि अमेरिका है, यूरोप है, हम देखते हैं कि वो कितने एडवांस हैं और वहां पे तो कुछ कोई भी स्ट्रेस नहीं होगा, लेकिन सबसे ज्यादा स्ट्रेस रिलेटेड डिजीजेज जो हैं इन्हीं ममालिक में हैं। और ये हम देखते हैं कि स्ट्रेस की वजह से हेल्थ प्रॉब्लम्स विद एक्सेसिव स्ट्रेस वो क्या है।
जिस तरह की मैंने आपको बताया कि स्ट्रेस की वजह से इंसान स्ट्रेन में चला जाता है, फिर टेंशन में, फिर डिप्रेशन में, और डिप्रेशन में जो मजीद जाकर एबनॉर्मेलिटी इंसान में आती है, और उस एबनॉर्मेलिटी देखे ना किस तरह इंसान में कैंसर, स्ट्रेस की वजह से कैंसर किस तरह आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे जो बदन के सेल्स हैं, अगर आप डिप्रेशन का शिकार है तो इसका मतलब यह है कि आपका ब्रेन जो है वो आपका सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स जो आपके बदन में बन रहे हैं वो नहीं सही काम कर रहे हैं, तो वो एबनॉर्मल बन जाते हैं, और जो एबनॉर्मल बन जाते हैं तो वो दैट इज कॉल्ड कैंसर। इस तरह हमारे हेल्थ रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, जो एक्सेसिव स्ट्रेस की वजह से हमारे हम पर जो हेल्थ प्रॉब्लम आ सकती हैं, सबसे पहला उसमें स्ट्रोक, ठीक है ना, आप अचानक गिर जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं, तो ये है। इसके अलावा गैस्ट्रो इंटेस्टिनल प्रॉब्लम सच एज गैस्ट्रिक अल्सर, ठीक है ना, जो भी जितने भी डॉक्टर के पास हम जाते हैं, और आजकल हमारे मुल्क में सो मैनी पेशेंट्स जो है वो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल प्रॉब्लम्स का शिकार हैं, और यहां तक कि उनको सामने कैंसर भी इस वजह से हो सकता है, गैस्ट्रिक अल्सर जो है ये टेंशन की वजह से और डिप्रेशन की वजह से पैदा होते हैं इंसान में, और फिर वो गैस्ट्रिक अल्सर जो है आगे जाकर सामने कैंसर बन जाते हैं। इस तरह जो इंसोमनिया है, हेडेक है, मतलब जो इंसान को नींद नहीं आती और सर दर्द रहता है, इसका भी सबब जो है स्ट्रेस है। बैक एक जो हमारे कमर में अक्सर दर्द होता है, इसका इसकी जो है ना इसका सबब भी स्ट्रेस है। इस तरह ड्रग एंड अल्कोहल यूज है, यानी आप याद रखें अगर ड्रग की ज्यादती हो, या मसलन आप आदी हैं और आपको ड्रग्स नहीं मिल रहे हैं, तो आप जो है टेंशन और स्ट्रेस का शिकार हो सकते हैं। इस तरह एंग्जाइटी है कि जो लोग देखे ना स्ट्रेस की वजह से आप हर वक्त एंग्जाइटी में रहेंगे, यू विल बी एंग्शियस कि क्या होने वाला है, एक खौफ आप पर आपके साथ जो है ना चिमटा रहता है। इस तरह डिप्रेशन मैंने बात की है कि डिप्रेशन जो है ये वेरी सिवियर कंडीशन ऑफ स्ट्रेस है, जो जिसमें इंसान जो है एबनॉर्मल बन जाता है, और वो फिर वो आगे जाकर बहुत खतरनाक बीमारियां, हेपेटाइटिस की तरह बीमारी जो है, कैंसर की तरह बीमारियां जो है, ये भी स्ट्रेस की वजह से और टेंशन की वजह से इंसान ने, इस तरह जो कैंसर की मैंने बात की है, तो हमारे जो हेल्थ प्रॉब्लम है इसमें, अच्छा मसल स्टिफनेस जो है ये भी आपने देखा होगा कि इंसान के मसल जो है अक्सर स्टिफ हो जाते हैं। और एक और जो आखिरी जो आज का जो हमारा जो हमें जो प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं कोरोना वायरस का, लेकिन इसमें इम्यूनिटी अगर जिसकी भी खराब है, कमजोर है, तो वो आसानी से इसका शिकार हो सकते हैं। लिहाजा वीक इम्यूनिटी जो है स्ट्रेस की वजह से, जितने भी हम स्ट्रेस में रहेंगे तो हमारी जो इम्यूनिटी है वो वीक बनती जाएगी। अच्छा, आगे जाकर हम सिम्टम्स की बात करते हैं कि वो कौन से सिम्टम्स हैं जिनको देख के हम कह सकते हैं कि ये इंसान जो है स्ट्रेस का शिकार है। तो कॉमन मेंटल सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस इंक्लूड, फर्स्ट सिंपल जो सिम्टम है वो इरेटेबिलिटी है, देखे ना मामूली बात पे चिड़चिड़ापन जो इंसान में होता है कि भाई मामूली बात पे गुस्सा आना, और मतलब किसी को बर्दाश्त ना करना, और किसी सिचुएशन में कंफर्ट महसूस ना करना, इजी फील ना करना, दैट इज कॉल्ड इरेटेबिलिटी। फिर इनटॉलरेंस है कि किसी की बात, किसी का अंदाज, किसी का कमेंट, किसी की राय ओपिनियन अगर आप बर्दाश्त नहीं कर सकते तो दिस इज कॉल्ड इंटॉलरेंस, और ये भी इसका एक सबब जो है वो स्ट्रेस भी है। शॉर्ट टेंपर,
देखा ना मामूली बात, वेरी इजीली यू बिकम वेरी मूडी सैड और या जो है एंग्री, फीलिंग एंग्री और फीलिंग सैड, मतलब आसानी से आपका टेम्पर जो है वो चेंज हो सकता है। एग्जॉशन, थकावट महसूस करना, लेकिन हम अक्सर थक जाते हैं लेकिन हमें ये पता नहीं होता कि इसका सबब जो है स्ट्रेस है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, बहुत जो कॉग्निटिव एबनॉर्मलिटी है वो यही है कि हमारी कंसंट्रेशन ऑफ माइंड जो है वो नहीं रह जाती। हम जब किसी चीज को फिर अटेंशन देना चाहते हैं, कॉन्शियस में लाना चाहते हैं तो हम नहीं ला सकते, और इस तरह फॉरगेटफुलनेस जो है हम में आ जाती है कि हम चीजें भूल जाते हैं। और फ्रस्ट्रेशन ओवर माइनर चैलेंजेस, ये है कि मामूली चीज जो हमारे सामने, मामूली छोटा सा प्रॉब्लम जो हमारे सामने आ जाता है, उस वजह से हम फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते हैं, जिसको हम पेसिमिस्टिक एटीट्यूड भी कहते हैं, कि इंसान पेसिमिस्टिक हो जाता है कि भाई मैं तो ये नहीं कर सकता, ये मतलब ऑलवेज टू लुक एट द डार्क साइड ऑफ अ सिचुएशन और ऑफ अ पिक्चर। तो फ्रस्ट्रेशन भी इसका, अच्छा what are the types of stressors jo hain, any event, any factor, anything, any situation, any phenomena which causes stress, that is called stressor. So what are the stressors, wo kaun se stressors hain? In mein the first one jo hai environmental stressors hain, jin mein heat, noise or crowding, आपने देखा होगा कि हीट की वजह से और शोर की वजह से और हुजूम की वजह से इंसान अक्सर स्ट्रेस में आ जाता है, और ये जो है ये एनवायरमेंटल स्ट्रेसर है। इस तरह फिजियोलॉजिकल स्ट्रेसर है, ड्रग्स हैं, कैफीन है, टबैको है, मतलब अगर ये चीजें हमें नहीं मिल रही और हम इसके आदि हैं तो इसकी वजह से फिजियोलॉजिकल जो स्ट्रेस है इंसान उसमें मुबतला हो जाते हैं। अगर इनकी ज्यादती हो जाए तो फिर भी इंसान फिजिकली जो है वो स्ट्रेस में आ सकता है। और तब जो है वो इमोशनल स्ट्रेसर, इसको हम साइको सोशल स्ट्रेसर भी कहते हैं। और इन साइको सोशल स्ट्रेसर में फैमिली प्रेशर है, सोशल प्रेशर है, फ्रेंड्स की तरफ से प्रेशर है, लाइफ प्रेशर है, जॉब की तरफ से जो प्रेशर है या जो बिजनेस के हवाले से प्रेशर है, ये सारी चीजें जो है इमोशनल प्रेशर में आती हैं। अच्छा, अब वो आते हैं कि डेली लाइफ प्रेशर जो है हमारी जिंदगी में, हम जो डेली लाइफ में जिंदगी गुजार रहे हैं तो स्पेसिफिकली कौन सी चीजें हैं या कौन सी सिचुएशन है जिनको हम डेली लाइफ स्ट्रेसर कहते हैं, जिनकी वजह से इंसान स्ट्रेस में आ सकता है। पहला जो है स्कूल प्रेशर, आपने देखा होगा चाहे वो बच्चा हो, टीचर हो, प्रिंसिपल या हेड हो, कोई भी हो, लेकिन वो हर वक्त स्कूल के प्रेशर में और स्कूल के दबाव में रहता है, चाहे वो ड्यूटी हो, काम हो, टीचिंग हो, रीडिंग हो, इम्तिहानात हो, याद करना हो, सुनाना हो, दोहराना हो, कुछ भी हो। इस तरह वर्क प्रेशर, जहां पर आप जॉब करते हैं, हम जॉब करते हैं, उसका अलग प्रेशर हम पे होता है, मतलब जो बॉस है, जो ड्यूटी आवर्स हैं, जो एक्सेस है, जो सिक्योरिटी है, जो एकोमोडेशन है, तो बहुत सारे इस हवाले से जो सैलरीज हैं, बहुत सारी चीजें इस तरह है कि उनकी वजह से हम स्ट्रेस में आ सकते हैं। फैमिली प्रेशर है, वालिदैन की तरफ से, बच्चों की तरफ से, सिस्टर्स डॉटर्स की तरफ से, ब्रदर्स की तरफ से, और इस तरह जो आपके अदर फैमिली मेंबर्स हैं, उस हवाले से इंसान बहुत ज्यादा प्रेशर में और स्ट्रेस में रह सकता है। रिलेशनशिप हैं, आपके फ्रेंड्स हैं या कुलीग्स हैं या जो भी कंपेनियंस हैं, पार्टनर्स हैं, उनकी तरफ से भी जो आप उनके साथ रिलेशनशिप कायम करना चाहते हैं, बल खुशगवार रिलेशन जो भी, तो आप ऑलरेडी स्ट्रेस में होंगे। और मैंने आपसे कहा भी कि कोई भी शख्स जो है अगर वो जिंदा हो
तो वो जरूर स्ट्रेस लेगा, लेकिन मैनेज कैसे करेगा? दैट इज सक्सेस। अगर आप मैनेज कर सकते हैं तो यू आर अ सक्सेसफुल मैन, अगर नहीं कर सकते तो यू फॉल विक्टिम टू दैट स्ट्रेस। अच्छा, फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम हैं, ये तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मेरे ख्याल में हमारे मुल्क में कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम हैं और हेल्थ इलनेस है, हेल्थ प्रॉब्लम है, इलनेस है, इस वजह से हम जो है बीमारी की वजह से तो इंसान सबसे ज्यादा स्ट्रेस में रहता है और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से भी स्ट्रेस में रहता है। एनवायरमेंट की बात मैंने की है, लिविंग स्टाइल सिचुएशन है जो हमारा लाइफ स्टाइल है, जो हमारे हैबिट्स हैं, जो हमारे एटीट्यूड्स हैं और जिस सिचुएशन में हम रह रहे हैं, चाहे वो घर हो, स्कूल हो, कोई भी जगह हो, आप याद रखें कि उस स्टाइल की वजह से हम स्ट्रेस में आ सकते हैं। अगर हम उसको मैनेज ना करें तो शिकार भी हो सकते हैं। इस तरह बीइंग फायर्ड, अगर आपको रिमूव किया जाता है फ्रॉम सर्विस, पनिशमेंट दी जाती है आपको, तो इस वजह से भी इंसान बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ सकता है। बीइंग प्रोमोटेड और डिमोटेड, कि आपको प्रमोशन मिली है, नई नया पोस्ट है, नई डिजिग्नेशन है, नया सिचुएशन है, या अगर आप डिमोट हो गए हैं, प्रमोशन की जगह रिवर्ट हो गए हैं लो स्केल लो डिजिग्नेशन को, तो उस वजह से भी इंसान स्ट्रेस में आ सकते हैं। अच्छा, इस तरह शिफ्टिंग और रीलोकेशन है कि आपको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं या रीलोकेट कर रहे हैं, तो इंसान जो है स्ट्रेस में आ सकता है। और मैरिज है, डिवोर्स है, मैरिज में भी इंसान न्यू सिचुएशन को फेस करता है, डिवोर्स में भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस इंसान पे आ सकता है। और जो नापसंदीदा फेल है डिवोर्स, अच्छा, इस तरह डेथ ऑफ अ फैमिली मेंबर और अ फ्रेंड, वाकई ये तो एक बहुत बड़ा हादसा होता है, शॉक की वजह से इंसान जो है स्ट्रेस का शिकार हो जाता है। अब आते हैं कि जब इंसान स्ट्रेस में आता है तो हमारा जिस्म साइकोलॉजिकली और फिजिकली इमोशनली किस किस्म का रिस्पॉन्स करता है, ठीक है ना? एनी स्टिमुलस जब हमारे सामने मौजूद हो तो हमारा जिस्म रिस्पॉन्स करेगा और उस रिस्पॉन्स को हम ये कहेंगे टू कोप विद और टू कंट्रोल और टू मैनेज द सिचुएशन। अच्छा, इसमें पहला जो रिस्पॉन्स होता है हमारा फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है, और आपको पता है कि जब फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज में मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं कि हार्ट बीट जो है, इंक्रीज्ड हार्ट रेट, हमारा हार्ट बीट रेट जो है वो बढ़ जाता है, इस तरह टेंस मसल, हमारे मसल जो है वो टेंस बन जाते हैं। और दूसरा जो है कॉग्निटिव रिस्पॉन्स है, कॉग्निटिव रिस्पॉन्स में इंसान वरी का शिकार हो जाता है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन का शिकार होता हो जाता है, और फॉरगेटफुलनेस मतलब मेमोरी लॉस उसको मेमोरी लॉस होना। अच्छा, इमोशनल जो हमारे रिस्पॉन्स, जब गुस्सा आना या खौफ, सेंस ऑफ ड्रेड, सेंस ऑफ फियर, कि हम जो फील कर रहे हैं किसी भी सिचुएशन में, जो हम खौफ फील कर रहे हैं, तो ये भी स्ट्रेस में हम रिस्पॉन्स दे रहे हैं। बिहेवियरल रिस्पॉन्स जो है कि वो ये है कि हम लेस पेशेंट हो जाते हैं और हरी में हम अक्सर जो है मुबतला हो जाते हैं और हमारा सब्र जो है वो खत्म हो जाता है। अच्छा, मेजर काजेज ऑफ स्ट्रेस फॉर स्टूडेंट्स, खासकर जो हमारे स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं, जो कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, सब के लिए जो है एक न्यू सिचुएशन में जाना और फेस और हैंडल करना, दैट इज कॉल्ड कि यू आर अंडर स्ट्रेस। अब वो कौन सी चीजें हैं? एडजस्टमेंट टू डेली रूटीन, किसी भी जो स्कूल या यूनिवर्सिटी या कॉलेज का डेली रूटीन जो है उनके साथ एडजस्ट करना, स्लीपिंग एंड ईटिंग हैबिट्स, अगर इसमें कुछ चेंज आ जाए तो इससे भी इंसान स्ट्रेस में आ सकता है। टाइम मैनेजमेंट ड्यू टू एडिशनल एकेडेमिक वर्क लोड्स, फाइंडिंग द बैलेंस ऑफ स्टडिंग, फ्री टाइम एंड डेडलाइंस,
देखा ना, जब हम स्कूल में जाते हैं तो वहां पे हमें काम दिया जाता है, एकेडमिक वर्क होता है, फ्री टाइम किस तरह गुजारना है, खेल के लिए वक्त कैसे निकालना है, उस काम को वक्त पर पूरा करना होता है। इस वजह से इंसान स्ट्रेस में आता है। मिसिंग योर सोशल सपोर्ट फ्रॉम स्कूल फ्रेंड्स एंड फैमिली, ये इंसान जो सोशली लॉस्ट हो जाता है वो यही है ना, कि अगर आपको स्कूल के जो फ्रेंड्स हैं, कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के जो फ्रेंड्स हैं, या जो फैमिली मेंबर्स हैं या फ्रेंड्स हैं, अगर उनसे आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा तो बहुत बड़े स्ट्रेस में आप रहेंगे और ये इंसान जो है एबनॉर्मल बन जाता है। लर्निंग न्यू नेविगेशन सच एज गेटिंग अराउंड कैंपस, लिविंग ऑन यूर ओन, चूजिंग यूर क्लासेस, चूजिंग न्यू फ्रेंड्स, चूजिंग यूर लाइफ डायरेक्शन एंड एडमिशन फॉर यूर फ्यूचर प्रोग्राम, इन तफक्कुरात और एक्टिविटीज की वजह से इंसान जो है स्ट्रेस में आ सकता है। बहुत सारी चीजें हैं हमारी जिंदगी में जिनकी वजह से हम दबाव का शिकार रहते हैं, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, और इन सब को मिला के इसको हम साइकोलॉजिकल प्रेशर या साइकोलॉजिकल स्ट्रेस का नाम देते हैं। अच्छा, अब आते हैं हाउ कैन वी कोप विद स्ट्रेस। अगर कोई देखना हाउ टू मैनेज द स्ट्रेस, हाउ टू कोप विद, हाउ टू हैंडल द सिचुएशन, इसमें सबसे पहला काम हमने क्या करना है, टाइम मैनेजमेंट। आप याद रखें कि जो लोग टाइम को सही तरीके से मैनेज नहीं कर रहे हैं, हरी वरी में वो रहता है और डिसऑर्गेनाइज मैनर में सब कुछ करता है, तो वो स्ट्रेस का शिकार होगा। ही कैन नॉट मैनेज एंड हैंडल द स्ट्रेस सिचुएशन, बट ही विल फॉल विक्टिम टू द स्ट्रेस। इसके हवाले से जरूरी है कि कैन बी अ ह्यूज कॉज ऑफ स्ट्रेस इन मैनी पीपल्स लाइव्स, कंसिडर टेकिंग अ क्लास और कोर्स और रीडिंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑनलाइन और इन अ मैगजीन और बुक्स ऑन हाउ टू बेटर मैनेज योर टाइम एंड टास्क। इस हवाले से बहुत मुफीद किताबें जो है मौजूद हैं कि टाइम मैनेजमेंट के हवाले से, कि टाइम को किस तरह मैनेज, उसमें हम प्लानिंग करते हैं, गोल्स की प्रायोरिटीज बनाते हैं, और जो हमारी डेली लाइफ रूटीन है बाकायदा उसका एक हम एक टाइम टेबल बनाते हैं और उसी तरह हम टाइम को मैनेज कर सकते हैं। दूसरा जो है शेड्यूल, यू मे गेट मोर डन विद लेस स्ट्रेस इफ यू मेक अ शेड्यूल, थिंक अबाउट विच थिंग्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट and put these at the top of your schedule list to do those things first. dekha scheduling karna, prioritization, matlab jo cheeze important hai usko aage lana, jo kam important hai usko piche le jana, isko scheduling kaha jata hai, ki aapki ek baqaida planning ho jo kaam hum kar rahe hain। अगर आपकी प्लानिंग है तो आप स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं और आप शिकार नहीं हो सकते। टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, जो लोग अपना ख्याल नहीं रखते यकीन करें वो शिकार हो जाते हैं स्ट्रेस, जिस तरह की कोरोना का शिकार हो जाते हैं इंसान जब एहतियात ना करें। इस तरह अगर आप अपने आप का केयर ना करें तो आप स्ट्रेस का शिकार रहेंगे। और ये इसमें इसके लिए जरूरी है कि आप एक्सरसाइज, गेट प्लेंटी ऑफ रेस्ट, ट्राई टू ईट वेल, डोंट स्मोक एंड अवॉइड अल्कोहल, इन चीजों को फॉलो करना जो है, इट मीन दैट यू आर टेकिंग केयर ऑफ, गुड केयर ऑफ यूर सेल्फ। इस तरह स्टॉप नेगेटिव थॉट, देखो जो लोग नेगेटिव थॉट रखते हैं, नेगेटिव एटीट्यूड रखते हैं, वो दूसरों के कामों में कीड़े निकालना, खामियां निकालना, कि दूसरे को एक्सेप्ट ना करना, बेजा तनकीद करना, और उसका जो बिहेवियर होता है वो सिक बिहेवियर बन जाता है और नुकसानदेह भी हो जाता है। तो अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखना है और हर चीज का जो ब्राइट पहलू है, जो पॉजिटिव साइड है, उसको सामने रखना है और
इंसानों में अच्छाइयां तलाश करनी चाहिए और सिचुएशन में अच्छाई तलाश करनी चाहिए। अच्छा, इसमें विल इट इज अ स्किल दैट वुड बी बेनिफिशियल टू डेवलप। ट्राई राइटिंग डाउन योर वरीज एंड वर्क ऑन लेटिंग गो टू गो ऑफ थिंग्स यू कैन नॉट चेंज। डोंट वरी अबाउट थिंग्स दैट हैव पास्ट। फोकस ऑन द पॉजिटिव एंड द फ्यूचर दैट यू कैन स्टिल इम्पैक्ट। मतलब ये है कि आप जो कुछ गुजर गया माजी से निकल आओ और आ जाओ हाल की तरफ आ जाओ, इस पे सोचो। और फिर फाइव नंबर जो है ये जो स्किल कोप विद स्ट्रेस का जो स्किल है वो स्पीक अप। असर्टिव एंड कॉन्फिडेंट कम्युनिकेशन कैन हेल्प यू एक्सप्रेस हाउ यू फील इन अ थॉटफुल टैक्टफुल वे। मतलब ये कि खुद पे भरोसा करना चाहिए और स्पीक अप बोलना चाहिए सिचुएशन में, चाहे वो मोनोलॉग हो, डायलॉग हो, ट्रायलॉग हो, कुछ भी हो, लेकिन आपने बात करना है कम से कम कि आप में कॉन्फिडेंस जो है वो डेवलप हो जाए। और सिक्स नंबर जो है आस्क फॉर हेल्प। पीपल हु हैव अ स्ट्रांग नेटवर्क ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स मैनेज स्ट्रेस बेटर। यानी मतलब ये कि हमें फ्रेंड्स से, फैमिली मेंबर्स से और जो हमारे कोलीग्स हैं, जो हमारे एक्सपीरियंस बड़े हैं, उनसे हमने मदद के लिए हमने बात करनी है कि हमारी गाइडेंस करें, मदद करें, हमारी काउंसलिंग करें, ये प्रॉब्लम है इसको हल करने में मेरी मदद करें। सेवन नंबर, डू समथिंग एंड एंजॉय इट। अ हॉबी, अ बाथ, मेडिटेशन, वॉकिंग और वॉलंटियरिंग आर गुड हेल्पफुल वेज टू हेल्प यू फील बेटर एंड रिलीव स्ट्रेस। मतलब जो आप जो बेकार बैठे हैं, सोचते रहते हैं, कुछ करते नहीं है, यकीन करें आप स्ट्रेस का शिकार होंगे और आप एबनॉर्मलिटी की तरफ जा रहे हैं। तो फजूल जो है टाइम गुजारना नहीं चाहिए, कुछ ना कुछ काम करना चाहिए, हॉबी, कुछ फिजिकल एक्सरसाइज वर्क करना चाहिए। और एट नंबर है कीप अ जर्नल। Try including that time and day, time of day, time of year, current events in your life, even your food intake and exercise routine, if any। मतलब ये कि अपनी जिंदगी का एक जर्नल बनाइए जिसमें आपका पूरा एक रिकॉर्ड हो और आप उसमें उसके मुताबिक जो है अपना स्ट्रेस मैनेज कर सकते हैं। नाइन नंबर जो है फोकस ऑन द प्रेजेंट। इस हवाले से मैं आपने देखा होगा कि जो बच्चे होते हैं, एक डॉक्टर से किसी ने पूछा कि ये बच्चे क्यों खुश रहते हैं, उसका जवाब ये था कि बच्चों का माजी नहीं होता, बच्चों का फ्यूचर, वो फ्यूचर से बेखबर होते हैं और वो हाल में रहते हैं, इसीलिए वो खुश हैं। तो हमें भी अपने हाल पे फोकस करना है, हाल पे नजर रखनी है और मुस्तकबिल के बारे में ओवर एंशियस नहीं होना चाहिए कि इंसान की जो लाइफस्टाइल है, जो जिंदगी है वो बर्बाद हो जाए, जो इंसान की खुशियां हैं वो खत्म हो जाए, जो सुकून बर्बाद हो जाए, सेटिस्फेक्शन खत्म हो जाए, तो उस मुस्तकबिल का क्या करेंगे। और जो माजी गुजर चुका है उसको भी इस तरह रखना है कि उसका असर आपके हाल पर ना हो, तो इसलिए इस तरह आप स्ट्रेस में नहीं रहेंगे। और अभी और इस वक्त जो एक्टिविटी है तो वो है लाफ इट अप। ट्राई टू लुक फॉर द ह्यूमर इन लाइफ, डोंट टेक योरसेल्फ सो सीरियसली, एवरीथिंग विल पास इवेंचुअली एंड कीपिंग अ सेंस ऑफ ह्यूमर विल हेल्प लाइटन द लोड। लाफ्टर रियली कैन बी द बेस्ट मेडिसिन। मतलब ये है कि आपने यू शुड फेस विद स्माइल, जो भी है आपने स्माइल के साथ फेस करना है, आप स्ट्रेस में नहीं रहेंगे। अच्छा, ये जो मैंने बात की है कि स्ट्रेस जो है ये बहुत ज्यादा अच्छा भी है और खतरनाक भी है। अच्छा ये है कि इंसान ये डेवलप कर जाता है, आगे ले जाता है, उसमें कॉन्फिडेंस और जो इम्यूनिटी लेवल है, जो रेजिस्टेंस पावर है वो पैदा कर सकता है।
लेकिन अगर जो लोग इसका शिकार हो जाते हैं तो वो मजीद आगे एबनॉर्मलिटीज में जा सकते हैं। अच्छा, तो आखिरी जो मैं समरी बयान कर रहा हूँ कि स्ट्रेस इज अ नेचुरल पार्ट ऑफ लाइफ बट विद अप्रोप्रिएट स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक यू कैन लर्न टू मैनेज इट मोर इफेक्टिवली। इसका मतलब ये है कि स्ट्रेस हमारी जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन अगर यू कैन मैनेज इट तो यू आर अ सक्सेसफुल मैन, एंड इफ यू फॉल विक्टिम टू इट तो इट मीन्स कि आप फेल हो गए हैं। लिहाजा हम स्ट्रेस में आएंगे और हम स्ट्रेस को मैनेज करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। इंशाल्लाह इट वॉज द फर्स्ट टॉपिक और मुझे उम्मीद है कि आप ये इंजॉय करेंगे और मजीद हम मुख्तलिफ टॉपिक्स इंशाल्लाह इस तरह डिस्कशन करेंगे और आपकी मुलाकात होगी मुख्तलिफ स्कॉलर्स और एक्सपर्ट से। थैंक यू वेरी मच।